नमस्कार वीटीवी न्यूज साथ हूं मनीषा। विगतवार समाचार की शुरुआत में बात करिए, कांग्रेस द्वारा आज जनवेदना सम्मेलन आयोजन कर जीमा राहुल गांधी संबोधन कर रहा है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी प्रहार कर रहा है। नोटबंदी सरकार नो अंगत निर्णय होवा राहुल गांधी जनाव्य 70 वर्ष नो हिसाब अपनी जरूर नहीं। राहुल गांधी आ प्रकार निवेदन आप जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा आज सम्मेलन योजना होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, वो बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है उसको उन्होंने तोड़ दिया। मैंने अंग्रेजी में बोला कि आजकल हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चिदंबरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये खुल के बोलते थे, दिल खोल के बोलते थे। आजकल पता नहीं क्यों ये दिल से खोलकर नहीं बोलते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, शेम शेम तो नहीं कहते हैं, मगर आते हैं मुझे कहते हैं कि भैया, हाँ डर लगता है ये नौकरी चली जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा, तो आप हमारी बात समझ जाइए। हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी, 60%। 16 साल पहले की स्थिति पर आज हम पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया, वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए, ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की, शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप तीन चार लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए हंसते हुए, गोयल जी आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया, उनको कागज बना दिया, कहा कि देखो ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी एक मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो, तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जी चलाएंगे, इसलिए हम यहां खड़े हैं, इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचा कर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचा कर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ दो तीन लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को बोलूंगा। थैंक यू। મહત્વનું છે, દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમમાં કોંગ્રેસનું જનવેદના સંમેલન આજે યોજાયું છે અને જેમાં રાહુલ ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા હતા। રાહુલ ગાંધી આ સંબોધનમાં વડાપ્રધાન મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા, જણાવ્યું નોટબંધી પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે નોટબંધી એ સરકારનો અંગત નિર્ણય છે। રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદીની મજાક પણ ઉડાવી હતી। આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કોંગ્રેસ દેશ માટે કુરબાની આપી રહ્યું છે। રાહુલ ગાંધીએ નોટબંધી પર બોલતા વધુમાં જણાવ્યું કે સરકારે આરબીઆઈની મજાક ઉડાવી છે, ભાજપ જણાવે તેમના કાર્યકરોએ શું કામ કર્યું છે। આ સાથે રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું ભાજપે લોકતાંત્રિક સંસ્થાને નબળી પાડી છે, બાબા રામદેવને પણ આડે હાથ લીધા, બાબા રામદેવ સરકારના અર્થશાસ્ત્રી હોવાનું જણાવ્યું। કોંગ્રેસના વખાણ કરતા તેમણે જણાવ્યું મનરેગાથી બેરોજગારીમાં ઘટાડો થયો છે। રાહુલ ગાંધી જનવેદના સંમેલનમાં સંબોધન કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે વડાપ્રધાન મોદી પર નિશાન સાધ્યું, મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા, વડાપ્રધાન મોદીની મજાક પણ ઉડાવી। આ સાથે જ રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે
भाजप ए जनावे कि तेमना कार्यकरो शुं काम कर्यु छे। नोटबंदी नो निर्णय ए सरकार नो अंगत निर्णय होवानुं राहुल गांधीए जणाव्युं।